सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग और गाइस। सो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल रिकॉल का, आर्क कैबलिस का। सो गाइस, आर्क कैबलिस के पिछले एपिसोड में हम लोग ने यहाँ पे हमारा बियर फार्म बनाया था, और साथ में अनलिमिटेड फाइबर कलेक्ट करने वाला ये थेरी जिनो सौरज जो है ना गाइस, वो टेम करा था। और आज ना मैं आपको एक काफी ओपी डायनो दिखाने वाला हूँ। वो डायनो को देख के ना मैं खुद चौंक गया था कि क्या खूबसूरत डायनो लग रहा है ये, और उसी को आज के इस वाले एपिसोड में टेम करने का, अरे यार काम भी हम लोग करने वाले हैं, बट बारिश आ गई यहाँ पे। चलो कोई ना, इंट्रो पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना गाइस बारिश जाने का इंतजार करेंगे, उसके बाद जाके उस डायनो को टेम करेंगे। बाकी आज का जो एपिसोड है ना, वो यहाँ पे शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप लोग को गेमिंग विद एनी के चैनल की, से उनके चैनल को भी जरूर से चेकआउट कर लेना। अगर आप लोग को आरपीसी के सर्वर बनाने डिस्काउंट के साथ, तो नीचे निट्राडो का लिंक है, वहां पे क्लिक करके आप लोग डिस्काउंट के साथ सर्वर जो है ना गाइस वो बना सकते हो आर्क के। बाकी अगर आप लोग को यहाँ पे पता नहीं तो मैं बता दूं, हम लोग ने आर्क पीसी का एक ब्रांड न्यू चैनल खोला है जिसका नाम है आर्क गेमिंग, और उस पर आर्क एजी रिबॉन अपग्रेडेड वर्जन की डेली एक वीडियो अपलोड होती है। उस चैनल का लिंक ना आप लोग को कम्युनिटी टैब में शॉर्ट वीडियोस के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उस चैनल को भी जरूर से चेकआउट कर लेना। सो चलो गाइस, आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड है वो शुरू कर देते बिना किसी देरी के, और मचा डालते फुल्ट भाई ना मेरे भाई। तो गाइस मैं क्या करता हूँ बताए, अभी बारिश जाने में तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, क्योंकि बारिश इतने ज़्यादा आसानी से नहीं जाएगी। और मैं अपने पीटी को लेके ना अपने आजू बाजू का थोड़ा एरिया एक्सप्लोर करने के लिए गया था। ओह शिट, वहाँ पे एक वुल्फ है भाई, ये चिप्पी लगा दूँ मैं पहले। वहाँ पे एक वुल्फी वुल्फी घूम रहा है, उसको फुल इग्नोर मारते हैं। और मैं क्या करता पता है, मैं थोड़ा सा जो है ना कहीं यहाँ पे फिलहाल के लिए मेटल इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी एक लॉन्ग नेक, जो गन नहीं होती कैसे अपनी लॉन्ग नेक, वो लॉन्ग नेक बनानी है, या तो जो मेरी क्रॉसबो है वो अभी तक आपको बता होगा फुल असेंडेड हम लोग ने नहीं बनाई है। मुझे इस क्रॉसबो को सबसे पहले फुल असेंडेड करने का काम करना है। देखते चलो, लॉन्ग नेक बनाने के लिए मुझे काफ़ी सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो शायद से लॉन्ग नेक बनाने वाले रिसोर्सेज मेरे पास गाइस पड़े नहीं होंगे, तो इसलिए हम अभी फिलहाल के लिए क्रॉसबो को ही अपग्रेड करके खुश हो जाएंगे। मैं यहाँ से क्रॉसबो को अपग्रेड करने के लिए काफ़ी सारा मेटल जो है ना वो तोड़ के लेके जा रहा हूँ, और जब तक बारिश जाएगी ना तब तक ये मेटल जो है गाइस वो पिघल के रेडी भी हो जाएगा। सारा मेटल तोड़ दिया, ओ नहीं इस वाले एरिया में भी मेटल है। ओ भाई साहब, डायनोसूचस है ना, वो डायनोसूचस है क्या बोलते हैं उनको, वो जो नहीं होते गाइस जिनकी नेस्ट से मैंने कल जो नहीं अंडा चुराया था और खा गया था मैं अंडा, वो इसी का अंडा था गाइस। जो सामने जो डायनो देख रहे हो आप, उसी का अंडा था। उसका नाम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, उनको स्पाइग्लास चालू करने दो पहले। हाँ डायनोसूचस भाई, इसका नाम डायनोसूचस ही है भाई, मुझे पता ही था भाई, ये डायनोसूचस का ही अंडा कल मैंने नेस्ट से चुराया था और मैं खा गया था मस्त वे की। चलो वैसे मेटल, ये आखिरी मेटल का पत्थर है, इसको तोड़ के सीधा सीधा हम लोग अपने घर पे चलते हैं। घर पे वुल्फ तो है यार, वुल्फ की हेल्थ कितनी है, 2000 है ना, रुक जाओ गाइज। ये वुल्फ ना बारिश जाते हुए जो है ना गाइज, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं देता अपने घर पे, मैं कुछ ना कुछ भाई यूट्यूब पे देखते बैठ जाता हूँ, तब ये वुल्फ आके जो ना कहीं उंगली कर सकता है मेरे डायनोस को। सो इसलिए बेटा न्यो न्यो नहीं नक्को इल्ले ब्रो, इसको पट्टे से हेडशॉट मार मार के मैं इसकी बैंड बजा देता हूँ। फीमेल आर वुल्फ है ये, ठीक है कोई ना, आर वुल्फ का भी गेम बजा दिया हम लोग ने। चलो अभी फटाफट से यहाँ पे जो मेरे पास मेटल है ना उसको मैं पिघलाने के लिए डाल देता हूँ, फिर हम लोग बारिश जाने का इंतजार करेंगे। और जैसे बारिश जाएगी ना, मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक खतरनाक सा डायनो, ठीक है। इसके कितने हिस्से करूँ, वैसे मैं इनफ है ना, इतने मेटल तो काफ़ी सारा गाइस पिघल के रेडी, आप देख ही सकते हो, मुझे पता नहीं था कि हमारे पास इतना मेटल पड़ा हुआ है। चलो अच्छी बात है, ये भी डाल देता हूँ, और ऊपर मेटल नहीं है, ठीक है। चलो तो फिर गाइस अभी बारिश जाने का इंतजार करता हूँ मैं, जब तक बारिश जा रही है ना तब तक आप लोग एक काम कर लेना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करा होगा तो गाइस, ठीक है। रुको, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, बारिश जो है गाइस वो यहाँ पे जा चुकी है, और मैं अभी फटाफट से जो भी अपने पास सामान है ना जो मुझे चाहिए नहीं वो इसके अंदर में डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं जो है ना गाइस अभी जा रहा हूँ, एक मिनट यार, मैं टेमिंग के लिए निकलने वाला था,
पर उससे पहले मुझे ना एक काम कर लेना है, अपनी क्रॉसबो को असेंडेड बना लेना है। उसके लिए मेटल चाहिए 95 ओनली। मेरे पास काफी मेटल गाइस पड़ा हुआ है। मैं इसको यहाँ पे खींच लेता हूँ एंड क्रॉसबो को अपग्रेड कर देता हूँ। ये हो गया हमारी क्रॉसबो जो है गाइस वो अपग्रेड। अभी मैं इसका बना लूंगा ब्लूप्रिंट एंड ब्लूप्रिंट बनाने के बाद इस ब्लूप्रिंट से जो क्रॉसबो बनेगी वो सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा टॉर्पोर देने वाली क्रॉसबो रहेगी। ठीक है, तो ये क्रॉसबो बन गई यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है, एक मिनट रुक जाओ गाइस, मुझे थोड़े से ना एरोज बना लेने यहाँ पे। 100 इनफ रहेंगे, 200 गाइस लगभग एरो बना लेता हूँ मैं। और मुझे थोड़े से नारकोटिक जो है ना गाइस वो भी चाहिए होंगे, जो कि मेरे हिसाब से शायद से यहाँ पे बन के रेडी होंगे नारकोटिक्स। मैंने नारकोटिक्स बनाने के लिए डाले थे पता है आपको, वो कहाँ पे चले गए, ओ ये रहे। ठीक है, मैं इससे एरो बना लेता हूँ। थोड़ा और नारकोटिक है क्या? हाँ, काफी सारा नारकोटिक है यार, काफी सारे एरोज गाइस मैं बना सकता हूँ। 75 मोर एरोज और नॉर्मल एरोज भी मैं बना लेता हूँ, क्योंकि नॉर्मल एरोज से जो ना गाइस यहाँ पे आसानी होती है जो वुल्फ वगैरह या ऐसे कोई डायनो जो हमारे ऊपर हमला करते हैं उनको मारने में। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाने के लिए लेके जाने वाला हूँ ऐसा एक डायनो जिसको मैं ऑफलाइन में देखा था यहाँ पे, जब मैं ऐसे घूम रहा था तब मैंने उसको देखा था। वो इसके लेवल अप भी आ चुकी है 11,000, वो इसकी हेल्थ भी फुल हो चुकी है। वैसे चलो इसको लेके चलता हूँ। और मैंने ना यहाँ पे नीचे साइड में कहीं पे देखा था, उसका नाम आई थिंक से स्मिलोडॉन समथिंग कुछ है, और वो शायद से इसी वाले एरिया में घूम रहा है। मैंने यहीं पे देखा है गाइज उसको, हाँ मैंने यहीं पे देखा है। मैं सीमेंटिंग बेस लेने के लिए आया था तभी मेरी नज़र उस डायनो के ऊपर पड़ी। यार वो लेकिन गया कहाँ पे अभी गाइज? मैंने उसको यही वाले इसी वाले एरिया में देखा था, बट अभी कहाँ पे भाग भाग के कहीं पे गया होगा तो बोल नहीं सकते हम लोग। यार ऊपर तो नहीं आया ना कहीं पे, रुको मैं ढूंढता हूँ गाइज उसको, यही पे कहीं पे होना तो चाहिए। ये डिवोडॉन है यार, ये तो नहीं यार, ये नहीं है, कहाँ पे गया यार? एक टाइगर था भाई खतरनाक सा, एंशिएंट टाइगर बोल सकते हो अब लोग। नहीं यार नहीं दिख रहा भाई, उसका लुक काफी ज्यादा जबरदस्त वाला था गाइज, मुझे वो चाहिए किसी भी कीमत पे। मैंने उसको यही पे देखा था, लेवल में देख नहीं पाया था बट उसको मैंने देखा यही पे था। रुको ये कहीं ना आजू बाजू वाले एरिया में घूम रहा होगा अभी भी, मुझे ऐसा भाई पक्का 100% लग रहा है। मुझे बस आजू बाजू के एरिया में जो ना कहीं चेकआउट कर लेना है, और मुझे वो यही कहीं पे मिल जाएगा। इस ब्रिज वगैरह के नीचे नहीं है यार, कहाँ पे गया स्मिलोडॉन? स्मिलोडॉन ही नाम था ना उसका। ऊपर से मैंने जो ट्रैकिंग वाला मॉड है ना वो इसमें डाल नहीं रखा है, सो उस रीजन से अलग प्रॉब्लम होती है, हम लोग डायनोस को ट्रैक नहीं कर सकते यहाँ पे। वेयर आर यू स्मिलोडॉन ब्रो? रुको गाइस मैं उसको ढूंढता हूँ, जैसे मुझे मिलेगा ना मैं आपसे मिलता हूँ। भाई वापस से बारिश, अच्छा ये देखो फॉग आ रहा है, मुझे लग रहा है वापस से बारिश आ रही है क्या? यही पे कहीं पे होगा गाइस वो, मुझे बस अच्छे से ढूंढना है। यही कहीं पे जो ना कहीं छुपा बैठा होगा किसी झाड़ी बीड़ी के नीचे, मुझे बस अच्छे से उसको ढूंढना है गाइस। रुको ओ ये रहा, तो ये रहा भाई, उतने दूर से यहाँ तक आ चुका है भाई। मैं पहले भी यहाँ पे आया था लेकिन दिखा नहीं मुझे। 800 लेवल का स्मिलोडॉनी नाम है गाइस इसका, स्मिलोडॉनी नाम है, लेकिन इसका टॉर्पोर काफी ज्यादा है। अब ब्रो कैन यू क्लाइम निकल पोलो मेरे बच्ची ले, मेरे जिगर का टुकड़ा रे। सॉरी भाई, बोला हो सकता है क्या ब्रो? तू बोला होगा, बोला कम ना, तेरे को बोला ट्राई करता हूँ। ओ हो गया बोला, व्हाट अनपॉसिबल भाई। अबे यार लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, थोड़ी सी प्रॉब्लम है भाई मन के ना, इसको खाना खिलाना पड़ेगा मेरे को, बीच में किसी को मार के खिलाना पड़ेगा, वरना मैं इसको टेम नॉकआउट नहीं कर पाऊंगा। मैं इसको डैमेज दे रहा हूँ तगड़ा वाला, टॉर्पोर भी तगड़ा वाला दे रहा हूँ, पर इसको खाना भी जो ना कि तगड़ा वाला खिलाना पड़ेगा मुझे। वो कैसे करूँगा मैं बताता हूँ, रुको आपको मैं बताता हूँ। इसको ट्रैप करके टेम करना जो ना कैसे वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है यहाँ पे। अब इसको जो ना कैसे यहाँ पे खिलाना पड़ेगा खाना, वो कैसे खिलाएंगे पता है? मुझे किसी को मारना पड़ेगा पहली बात तो,
इसको ही मार दूँ। अरे उसको मारना, हाँ मार उसको, मार देगा तू, मार देगा, मार देगा, इजी पीजी। इसको मार के ये खा जाएगा, ठीक है। इसको मार के इस मिलोडन जब खाएगा ना, तब हम लोग आराम से मस्त देखेंगे। ओए 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 ओए, उसको मार के खा ले भाई, हाँ खा ले। अबे हाँ, इधर आ, इधर इसको खा, इसको खा, खा, वेरी गुड। इससे इसकी हेल्थ जो है गाइस वो रिकवर। अरे प्लानिंग यार गाइस, प्लानिंग भाई, प्लानिंग करता तेरा भाई खतरनाक वाली। अबे भाई, ओ भाई, व्हाट आर यू डूइंग, जा रहे इधर क्या रे बेटा, लाड़ में आ रहा है तू, मारा किसी रूस को शेमड़े, स्मिलोडॉन के बच्चे, बड़ा हो गया तू, बड़ा हो गया, मारेगा अभी तो मेरे मेरे पीटी को मारेगा। अभी इसको बेहोशी कर देना है डायरेक्टली गाइस, वरना ये अगर अभी भागा ना तो रुकेगा नहीं बिल्कुल भी, तो सीधा बेहोशी कर देना है। चलो काम, पांचीस, लेट्स गो। ओ भाई खतरनाक एडा यार, खतरनाक एडा गाइस, पैलियो आर्क्स मिलोडन जो भी इसका नाम है। इसके आजू बाजू कुछ लगाने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे बीवर तो है खाली, और मुझे नहीं लग रहा कि बीवर्स खास कुछ उंगली करेंगे। क्या लगता है आपको? मुझे लग तो नहीं रहा गाइस कि खास कुछ उंगली करेंगे, बट मैंने दिमाग खतरनाक लगाया ना गाइस, वहाँ पे मैंने खतरनाक वाला दिमाग लगाया। रुको तो मुझे ना एक काम करने दो, मुझे ना बीवर्स के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं ना इसके आजू बाजू वो लगा देता हूँ, एक सुरक्षा घेरा बना लेता हूँ। इसके लिए थोड़ा फाइबर वगैरह चाहिए होगा, वो यहाँ से, अरे एक मिनट रुक जाओ, इससे क्यों इकट्ठा करना, मेरे पास सिकल है, सिकल से फाइबर इकट्ठा करेंगे। बट थोड़ा सा ना मुझे हाइट चाहिए होगा, सामने की तरफ मुझे थोड़े से कुछ डायनोस दिखाई दे रहे हैं जिनको मार के मैं हाइट का जुगाड़ कर सकता हूँ। सो अभी इसको मार देता हूँ, क्योंकि इसकी हेल्थ भाई 1.8k ओनली। अब बस इसके पार्टनर नीचे से ना आ जाए भाई, इसको सपोर्ट करने के लिए पट्ट से। अब इसका हाइट लेंगे और इसकी मदद से हम लोग को बना लेना है पाइक, ये वाली, ठीक है। ये पाइक वॉल्स जो है ये हम लोग, रुको, पीटी को भी मैं पाइक वॉल्स के अंदर ही रख देता हूँ। पाइक वॉल्स से हमारे इस मिलोडॉन को हम लोग पूरी तरीके से ढक देंगे, ताकि आजू बाजू से कोई भी डायनो इसको उंगली करने के लिए ना आए बिल्कुल भी। यहाँ पे समझ लो कोई कार्नो वगैरह स्पॉन हो गया ना, तो उसको मारने के लिए आ सकता है, इसलिए मैं सुरक्षा घेरा बना रहा हूँ यहाँ पे। हाँ यस लेट्स गो। अब मुझे थोड़ा प्राइम मीट चाहिए होगा ना भाई, तो अभी यहाँ पे सुरक्षित है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तेरे को प्राइम मीट चाहिए ना, 15,000 हेल्थी यार। प्राइम मीट, प्राइम मीट, लैम्प, लैम्प चॉप कितने चाहिए तेरे को? लैम्प चॉप, लैम्प चॉप से जल्दी होगा क्या? लैम्प चॉप 3 चाहिए, बट रॉ प्राइम मीट 2 ही चाहिए। प्राइम मीट का जुगाड़ करने के लिए मुझे इसको मारना पड़ेगा। इसको 15,000 भाई इसकी हेल्थ, इसको नहीं मार पाऊंगा। रुको मैं किसी लो हेल्थ वाले डायनो को देखता हूँ, तब तक हमारा स्मिलोडॉन जो है ना गाइज वो यहाँ पे हंग्री भी हो जाएगा, ठीक है। तब तक मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ, रुको कोई ऐसा छोटू सा नन्ना सा डायनो जो मुझे प्राइम मीट दे सके। ओए वुल्फ की गैंग है यहाँ पे, ये वुल्फ की गैंग को ना मेरे स्मिलोडॉन से ही मारूंगा मैं, देखना गाइज, बस आप लोग देखना तुम्हारे भाई का जलवा। और इसकी हेल्थ कितनी है? 2k हेल्थ है ना गाइज, इसको मार देता हूँ। मेरे को पीछा तो कोई कर नहीं रहा ना, पट्टे से 700 चलना, कल कल बेटा कल, पट्टे से वंस अगेन 700, बाय बाय। चलो इसका प्राइम मीट निकालते हैं अभी, 25 प्राइम मीट भाई, 50 भाई, काफ़ी सारा प्राइम मीट मिल रहा है, 69, हाँ 69 प्राइम मीट्स गाइस मिल चुका है यहाँ पे। अभी चल के स्मिलोडॉन के अंदर ये प्राइम मीट डालते और उसको टेम करते, और उसकी मदद से ना जो मेरे बेस के आजू बाजू वुल्फ की गैंग है ना, उसको मैं पेलूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, उसकी बैंड बजाएंगे गाइस, बैंड। मुझे भूख लग गई है, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुक्ड मीट है अभी, और इनके बीवर डैम्स ना मैं अभी लूट नहीं रहा हूँ। मुझे मन तो कर रहा है ऐसे बीवर डैम्स देख के उनको लूटने का, बट अगर मैंने उनको लूटा ना तो फिर ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे, और क्या पता ये तोड़ ताड़ के भाई इसके अंदर ही घुस जाए। डाल दूँ क्या इसके अंदर का इस प्राइम मीट? शायद टेम हो जाए यार, 61% खा ले, एक और बार, बस एक और बार ये खा लेगा ना तुरंत टेम हो जाएगा ऑन दिस स्पॉट। इसका फुटपार जो है ना गाइज, ओह यस हो गया भाई, लेट्स गो।
1199 लेवल का गाइस स्पिलोडॉन टेम कर लिया है तुम्हारे भाई ने। चलो आ जाओ फटाफट से घर पे चलते हैं, इसका सैडल बनाते और सैडल पहनाने के बाद हम लोग इससे फुल टू राडा करेंगे गाइस। यहाँ पे मजा आने वाला है अभी काफी ज्यादा। इस मैप का जो वेदर सिस्टम है ना वो काफी ज्यादा अजीब है यार, कभी फॉग आ जाता है, कभी ऑरेंज वाला जो है गाइस क्लाउड्स आ जाते हैं और ठंडी लगना चालू हो जाती है, पता नहीं भाई काफी ज्यादा अजीब है गाइस वेदर सिस्टम। चलो स्मिलोडॉन का सैडल यहाँ पे बनेगा शायद से, ना एक मिनट रुक जाओ, इसके लिए स्मिलोडॉन सैडल्स यस आई थिंक से मेरे इन्वेंटरी में बन जाएगा। हाँ मेरे इन्वेंटरी में बन चुका है गाइस स्मिलोडॉन का सैडल। गाइस मैं तो सोच रहा हूँ ना भाई अपना स्मिलोडॉन फर्स्ट डायन हो भाई एकदम ओपी वाला, तो क्यों ना इसका सैडल थोड़ा सा अपग्रेड ही करा जाए ताकि कोई भी इसके ऊपर ज़्यादा डैमेज ना डील कर सके, मतलब ज़्यादा डैमेज इसको दे ना सके, इसलिए मैं इसका जो सैडल है ना उसको फुल असेंडेड करना चाहता हूँ भाई स्मिलोडॉन से, जो ना कहीं सबकी बैड बजाऊंगा मैं। ये यहाँ पे बन गया इसका सैडल फुल असेंडेड, देखते हैं आर्मर प्रोडक्शन जो है गाइस वो यहाँ पे कितना मिल पाता है ब्लूप्रिंट से जब क्राफ्ट करते तब। अभी फिलहाल के लिए 266 आर्मर है एंड 281 6% क्राफ्टिंग स्किल बोनस ओनली। यार क्राफ्टिंग स्किल बोनस काफ़ी कम मिल रहा है, मैं एक और बार बना रहा हूँ, मे बी इस बार थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए। यार मैंने घंटा कहीं पे लगाया ही नहीं यार। ओके कितना मिला, ओ 700 ठीक है 493 हो चुका है यहाँ पे ग्रेट ब्लूप्रिंट। इससे अभी हम लोग यहाँ पे वापस से एक और सैडल बनाएंगे, एकदम फुल मैक्स वाला बनाना है सैडल। और एक घंटा जो है ना गाइस वो लगाने के लिए मुझे पिल्लर्स वगैरह लगा के ना सीलिंग वगैरह लगानी पड़ेगी ठीक है। कितना है भाई 493 मैक्स सैडल है इसका, ठीक है चलो कोई बात नहीं है। आ जाओ गाइस वुल्फ गैंग देख रहे हो सामने, उस वुल्फ गैंग का बैंड हम लोग इससे बजाने वाले भाई। पैटर्न देखना इसके बॉडी के ऊपर ना गाइस, हैं पैटर्न देखो गाइस पैटर्न तो देखो भाई। ओए इसके भाई सर पे देखना वो भी कांटे भी आ चुके पाइक छोटे छोटे से, और पैटर्न सॉलिड है भाई इसका कुछ भी बोलो भाई, दिखने में एकदम खतरनाक लग रहा है। अटैक व्हाइट वाला अटैक है, ओ पंजा मारने वाला अटैक है, और कोई अटैक नहीं दो ही अटैक है व्हाइट अटैक और पंजा मारने वाला अटैक। ठीक है रुको मैं इसकी हेल्थ थोड़ी बढ़ा देता हूँ, 10,000 हेल्थ हो चुकी है भाई, मैं 20,000 इसकी हेल्थ कर रहा हूँ, हो जाएगी भाई ये रिजेन कर लेगा। वेट में एक पॉइंट डाला है, थोड़े से भाई मिली डैमेज में पॉइंट डालेंगे और थोड़े से गाइस यहाँ पे इसके मूवमेंट स्पीड में भी पॉइंट डालेंगे ताकि थोड़ा सा तेज दौड़ सके, जंप कर सकता है भाई फुल जंपिंग जपाग। क्या लग रहा है गाइस वुल्फ गैंग से, क्या मैं पंगा ले सकता हूँ अपने स्मिलोडॉन के साथ, क्या मैं वुल्फ गैंग की बैंड बजा सकता हूँ। हाउल कर दिया इन लोग, हाउल कर दिया 400 का डैमेज, 9 का डैमेज दे रहे वो, कल बेटा कल आना कल ठीक है, 9 का डैमेज दे रहे। ये मेरा सेंडेड वाले सैडल का कमाल, मेरे ऊपर 40 का डैमेज आए, ओ ये इनका लीडर है, लीडर 40 का डैमेज दे रहा है यार। झापड़ कितना पड़ रहा है, ओ मैं जो झापड़ मार रहा हूँ 600 का पड़ रहा है और मैं नॉकबैक भी दे रहा हूँ इससे, मार दिया गाइस मैंने इन लोग को भाई इजी पीजी यार खतरनाक। रुको इसकी मिली डैमेज में और थोड़े पॉइंट 1000 तक इसका डैमेज लेके जाना है 1000 तक, और थोड़ी मूवमेंट स्पीड भी बढ़ा रहे ताकि ये जो है ना गाइस जल्दी से ऐसा हाँ दौड़ सके भाई। ओ एक चमाट मारी सीधा इसकी पेटी बन गई, देखना चाहता हूँ कैसी चमाट मारी। ये देखो अभी एयरैप्टर आएगा, एयरैप्टर आया देखो ये ले चमाट चमाट खलास। ये वाला जो अटैक है ना इसका पंजे वाला ये काफ़ी डैमेज दे रहा है, जो बाइट अटैक है उसका डैमेज 798 का है और जो पंजे वाला अटैक है उसका डैमेज रुको मैं दिखाता हूँ आपको 798 वो सेम डैमेज है क्या। ओके ठीक है भाई, ओए रैप्टर भाई ये मेरा कुछ नहीं कर सकते, मेरे ऊपर काफ़ी कम डैमेज पड़ रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छा वाला सैडल जो है ना गाइस वो हमारे स्पिलोडॉन को पहना दिया है, इसलिए मैं इजीली इन लोग को मार सकता हूँ। हाँ अभी तक ऐसे काफ़ी सारे डायनोज है जो हमारे स्मिलोडॉन की भी बैंड बजा सकते हैं, बट कोई ना मैं पहले फटाफट से ना इन सबको मार के अपने स्मिलोडॉन की मैक्स लेवल कर लेता हूँ ठीक है। इसके मिली डैमेज में और थोड़े पॉइंट जाएंगे। ओके लेवल अप पे क्या कर रहा है ये, ओ भाई लेवल अप पे एक छोटू सा इमोट है इसका क्यूट सा, देखना गाइस मैं दिखा रहा हूँ आपको लेवल अप पे इमोट देखना इसका ठीक है, क्यूट सा इमोट देखना ये देखना लेवल अप पे जो है ना गाइस इस तरीके से इमोट दिखाने का काम गाइस हमारा ये वाला डाइनो कर रहा है, काफ़ी खुल लगा मुझे यार ये वेदर कब जाएगा पता नहीं, चलो जाएगा उम्मीद करें काफ़ी ज़्यादा जल्दी चला जाए, अभी तो फिलहाल के लिए मुझे इसको मैक्स लेवल करना है।
पट्ट से अल्फा रैप्टर गाइस, क्या मैं अल्फा रैप्टर से पंगे लूं? क्या लगता है गाइस सबको, मेरी हेल्थ अभी तक 10,000 ही है, ज्यादा नहीं है क्या? मुझे अल्फा रैप्टर से पंगे लेने चाहिए? मैं 20,000, हाँ 20,000 मेरी हेल्थ है, मैक्स लेवल का स्मिलोडॉन हो चुका है, 20,000 टोटल हेल्थ है और मैं अभी एक अल्फा रैप्टर को मारने के लिए जा रहा हूँ। काफी ज्यादा बड़ा चैलेंज ले रहा हूँ क्या मैं? कितने हेल्थ है? 15,000 हेल्थ है गाइस, चलो होगा होगा। अल्फा रैप्टर वर्सेस मेरा स्मिलोडॉन, ठीक है। अच्छा डिओडॉन, डिओडॉन पहले निकल पाएगी, अरे डिओडॉन को मार देता हूँ मैं। डिओडॉन भाई, अरे क्या कर रहा है डिओडॉन? मर ही नहीं रहा, मरे क्या यार? 400 का डैमेज कैसे पड़ रहा है डिओडॉन के ऊपर? भाई तू भी साइड लगा क्या है क्या? अबे ओए ओए, तेरी तेरी डायनासोरस कहाँ से आ गया भाई? मैं हाँ हाँ उसको मारो, तुम मार दो मार दो मार दो, मैं नहीं था भाई, वो तेरी जोड़ है वो मेरी मदद करने के लिए आए थे। अच्छी बात है, चलो अभी मैंने एक अल्फा रैप्टर ले रहा हूँ। कम ऑन गाइस, क्या मैं अल्फा रैप्टर को मार पाऊंगा? जब को मार के उजाले में चला जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से भाई फाइट दिखाई दे यहाँ पे। ओ मैं पीछे, ये मुझे पीछे से मार रहा है और मेरा डैमेज जो है वो पीछे भी जा रहा है, देखना देखना। ओ मैं इसको मारने वाला हूँ, ये लाल नीला हरा पीला हो चुका है पूरी तरीके से भाई। अल्फा रैप्टर की पैंट बजा दी मैंने, मैं अपना स्मिलोडॉन कितना ज्यादा कूल है देख रहे हो गाइस? ये मैक्स लेवल हो चुका था शायद से मैं, ओ मेरी लेवल पा गई, ओ मेरी चिबी की लेवल पा गई ना, मुझे चिबी ने मोटू ने भाई, ये जो चिबी है ना इसने लेवल अप दे दी। अगर आप लोग किसी भी अल्फा डायनोस को मारते हो ना तो आपका चिबी जो है आपको एक्स्ट्रा 5 लेवल अप देता है, अगर आपने उसको लगा के रखा होगा तो वैसे लेवल अप चेना गाइस मुझे मेरा वाला चिबी भी दे रहा है यार, काफी खतरनाक रे। मुझे स्मिलोडॉन काफी ज्यादा पसंद आ गया और मैं क्या करूंगा पता है? वॉल्केनो वाला बायोम कहाँ पे है जरा मुझे मैप में देखने दो, इस साइड में ही है क्या? मैं अगले एपिसोड में ना अपने स्मिलोडॉन को लेके वॉल्केनो बायोम में जाऊंगा, क्योंकि मैंने किसी एक वीडियो में देखा था वॉल्केनो बायोम में ना काफी खूबसूरत से दिखने वाले थाइलो कोलियो पाए जाते हैं, और मैं अगले एपिसोड में पूरी थाइलो कोलियो को टेम करने के लिए वॉल्केनो बायोम में जाऊंगा और एक हाई लेवल का थाइलो तो तुम्हारा भाई टेम करके लेके जरूर से आएगा। बाकी मुझे पता नहीं कि मैं उसको एरो वगैरह से भाई मार पाऊंगा कि नॉकआउट कर पाऊंगा कि नहीं, क्रॉसबो से नॉकआउट होगा कि नहीं वो, क्योंकि स्मिलोडॉन जो है ना गाइस उसको मैं मुश्किल से गाइस जब क्रॉसबो से नॉकआउट कर पाया हो, इसको मैंने बीच में गाइस वो बीवर को खिलाया इसलिए ये नॉकआउट हुआ, वरना ये मर जाता डायरेक्टली, और मैं जो है ना गाइस बोला भी नहीं कर सकता थाइलो को। सो अरे ये डिओडॉन ने दो थेरी को पेल दिया, कितने थे वो आभारी बाबा गाइस, इसको दो थेरी जिन्हों सोरस मार रहे थे इसने दोनों। अबे यार ये क्या है भाई तुम लोग का, मर ना जाओ नहीं मर ना जाओ सिंपल के ओके, पहले डिओडॉन को मारता हूँ फिर थेरी जिनोसोरस को मारता हूँ। भाई क्या कर रहा भाई तू, क्यों मैंने क्या बिगाड़ा यार थेरी तेरा, क्या बिगाड़ा है, क्यों मारने आ रहा है मुझे यार? वाई 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 ब्रो, ये मुझे भी डैमेज दे रहा, मेरे डायनो को भी तगड़ा डैमेज दे रहा है यार, थेरी काफी मार रहा है, थेरी मार रहा है गाइस, थेरी मार रहा है, रुको थेरी को भी मार देता हूँ मैं, बाय बाय थेरी, चलो मार दिया। मेरी हेल्थ कितनी बची हुई है? मेरी हेल्थ 7,000 बची हुई है सिर्फ गाइस, हेल्थ मेरी काफी ज्यादा डाउन हो गई, लेकिन कोई ना यार, स्मिलोडॉन से मैंने अल्फा वाले रैप्टर को मार दिया, उसका क्लॉ भी मुझे मिल चुका है अभी तो, और अगले एपिसोड में हम लोग इसको लेके जाने वाले वॉल्केनो वाले बायोम में, सीधा वॉल्केनो बायोम में जाएंगे और मुझे ट्रैप वगैरह बना के लेके जाना पड़ेगा। अगर मुझे वहां पे हाई लेवल का थाइलो दिखाना एकदम कूल से कलर वाला तो गाइस उसको मैं ट्रैप करके टेम करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऐसे तो मैं टेम नहीं कर पाऊंगा। एक और वुल्फ यहाँ पे स्पॉन हो चुका है, हेलो दिस इज माय हाउस, यहाँ पे कोई भी वुल्फ नहीं आ सकता ठीक है, इजी पीजी भाई, वुल्फ को तो मैं ऐसे ही मार दूंगा अभी। गाइस आज से हम लोग इसके ऊपर बैठ के गाइस इधर उधर घूमने का काम करेंगे, प्लस इसके ऊपर से मैं क्रॉसबो वगैरह जो है ना गाइस वो भी इजीली चला सकता हूँ, देख रहे हो। सो नॉकआउट वगैरह करने के लिए काफी ज्यादा काम आएगा ये डायनो, प्लस इसकी हेल्थ भी काफी बढ़िया है और इसका डैमेज हमारे वुल्फ से भी ज्यादा जा रहा है। तो गाइस अभी के लिए एक काम करते हैं, आज का हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो इसी स्मिलोडॉन को टेम करने के साथ एपिसोड खत्म कर देते हैं, और गाइस यहाँ पे इसको नाम दूंगा, इसका नामकरण करेंगे, मैं इसको क्या नाम दूंगा पता है? छोटा डॉन भाई, छोटा डॉन, इसको हम लोग नाम देंगे गाइस यहाँ पे छोटा डॉन भाई, ठीक है, ये तुम्हारे भाई का छोटा डॉन है। सो गाइस आपको ये कैसे छोटा डॉन जेना गाइस वो कैसे लगा जरूर नीचे कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाकी तो सीधा मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। ओ गाइस यहाँ पे वो ऑरेंज वाला वेदर जा चुका है, तो इसका लुक मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। उजाला किस तरफ से,
कहाँ से उजाला है, पर इधर से ही है ना। हाँ इधर से उजाला है शायद। ये देखना का जिसका लुक देख रहे हो कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। बताइए गाइस आपको ये कैसे लगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और जो हमारा नया चैनल है गाइस आर्का, उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना, उसका लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा कम्युनिटी टैब में और शॉर्ट वीडियो जो अपने चैनल पे फर्स्ट शॉर्ट वीडियो है उसके कमेंट और डिस्क्रिप्शन में नए चैनल का लिंक है, वहां से नए चैनल को जरूर चेकआउट करना और एजी रिबॉर्न अपग्रेडेड वर्जन वाली सीरीज भी जरूर देखना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get